नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक, उसके गद्यखंड का। गद्यखंड में हमारा जो तीसरा अध्याय है सत्यजीत राय और उनके द्वारा लिखा गया जो अप्पू के साथ 2.5 साल, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो पथेर पांचाली फिल्म है उसकी शूटिंग का जो काम है और उसमें 2.5 साल का समय लगता है, और 2.5 साल के समय के दौरान अप्पू के साथ में किस प्रकार से उन्होंने समय व्यतीत किया, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। कल हमने इसका अध्ययन किया था कि शूटिंग के दौरान उनको काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, और इसमें जो है मुख्य रूप से आर्थिक जो अभाव है उसकी समस्या बनी रहती है। तो ये हमने कल पढ़ा था भाग एक के अंतर्गत। आज हम भाग दो के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं कि आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक इनको अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा था, तो इसके कुछ ये उदाहरण भी दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाग दो के अंतर्गत लेखक हमें किन समस्याओं से अवगत करवाना चाहता है, किन समस्याओं की ओर हमारा जो ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। अब जो मूल उपन्यास था ना पथेर पांचाली जो बनाई गई थी, तो उसमें अप्पू और दुर्गा के पास में भूलो नाम का एक पालतू कुत्ता था, उसका उल्लेख भी किया गया। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी अपने हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। अब लेखक कहता है कि हमने गांव से ही एक जो कुत्ता वो प्राप्त कर लिया था और वह हमसे ठीक ठाक से बर्ताव करने लग गया, बर्ताव करने और व्यवहार करने लगा। फिल्म एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। अब भात क्या है कि पके हुए जो चावल है ना, वो उनको भात कहा गया। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अब जो भूलो कुत्ता है, ये भूलो जो है वो कुत्ते का नाम है, वो दरवाजे के सामने आंगन में बैठा अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। और देखिए छोटा बच्चा जो है तो उसकी स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से एक बालक जो है खेलने में इतना अधिक ध्यान रखता है कि उसको खाने पीने की सुध नहीं रहती है। तो माँ द्वारा जो भात दिया गया था तो उसका उस भात को खाने में पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और अपने तीर कमान जो खेलने के लिए वो उतावला हो रहा है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए चला जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। अब देखिए अप्पू जो है तीर कमान खेलने के लिए उतावला था और वह खाते खाते, अपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना खाते खाते खेलते रहते हैं, तो उसी प्रकार से ये बाल स्वाभाविक क्रियाकार इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से अप्पू भी खाते खाते कमान से तीर छोड़ता है और उसके बाद वह खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। लेकिन सर्वजया यानी कि जो कि अप्पू की माता है, वह बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। अब जो कुत्ता था जो अप्पू और दुर्गा के पास में, तो जो भूलो कुत्ता है वह खड़ा हो जाता है और उसका जो ध्यान है वो सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है ना उसकी ओर होता है। इसके बाद वाले शॉट में हमें देख ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हुए। अब देखिए किस प्रकार की आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फिल्म बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें वो शॉट लेना था जिसमें
कि सर्वजया जो है उसके हाथ में जो थाली थी, जो भात था, वह गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट नहीं ले पाई दिन में, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई थी, कम हो गई थी, और उसी के साथ हमारे पास में जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने का समाचार मिला कि भूलो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? अब देखिए, 6 महीने बाद में वो वापस गए हैं क्योंकि पैसे नहीं थे। 6 महीने तक पैसे इकट्ठे किए काम वगैरह करके, फिर जब ये पैसे इकट्ठा करने के बाद में वहाँ जाते हैं तो उस अंश को चित्रित करने के लिए, तो वहाँ जाके उनको समाचार मिलता है कि जो भूलो कुत्ता था अब वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि मर चुका है वो। तो वो कहते हैं कि अब क्या होगा। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गाँव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। अब देखिए किस प्रकार से पैसों के अभाव में, आर्थिक अभाव के कारण से जो शूटिंग है काफ़ी रोकनी पड़ी, बीच बीच में रोक रोक के चलानी पड़ी, तो काफ़ी जो कठिनाइयों का सामना भी इनको करना पड़ा है। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। अब देखिए वो कहता है कि सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं है, बल्कि जो आदमी थे ना उनके लिए भी हमें ऐसा करना पड़ा था। अब मूल कारण तो इसका बता दिया उन्होंने कि आर्थिक संकट जो हमारे था, आर्थिक समस्या थी। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। अब देखिए इसमें जो कहानी के अंदर मुख्य पात्र है अप्पू और सहयोगी उसकी दुर्गा हैं, तो श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और जो दुर्गा हैं वो उनके पास में पैसे नहीं हैं और वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी घर के पास जाते हैं। अब मुखर्जी पैसे वाले हैं, अमीर आदमी हैं, तो वे अप्पू और जो दुर्गा हैं वे उनको मिठाई खरीदता हुआ देखकर ही खुशी प्राप्त करते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गई, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब देखिए किस प्रकार से जो कठिनाइयां हैं इनके सामने आ रही हैं। अब जो श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले जो सज्जन थे उनका भी देहांत हो जाता है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। अब देखिए कुत्ते की व्यवस्था तो इन्होंने कर ली थी, अब वो कह रहे हैं कि श्रीनिवास का मिलता जुलता जो दूसरा आदमी है वो कैसे कहाँ से मिलेगा। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से भी पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। अब देखिए वो कहते हैं कि चेहरा तो नहीं मिला लेकिन शरीर में उनके जैसा ही थे वो। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। अब देखिए किस प्रकार से फिल्म को जो शॉट है वो लिए गए हैं, किस प्रकार से फिल्म को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। अब देखिए एक तरफ तो उन्होंने जो श्रीनिवास हैं कैमरे के सामने आते हैं और दूसरे जो है श्रीनिवास थे 2 नंबर के वो कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी घर के गेट के अंदर जाते हैं। तो अधिक बार अगर किसी ने फिल्म देखी है ये एक से अधिक बार, तो भी ये ध्यान में नहीं आता कि श्रीनिवास के मामले में कि एक नहीं 2 आदमी हैं, और ना ही मैंने किसी से ऐसा सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। अब देखिए किस प्रकार की परेशानी आ गई है उसका वर्णन इसमें कर रही हैं।
और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकर के पार मिठाई वाला खड़ा है, पुकर मतलब पोखर जो है तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रही हैं। क्यों मिठाई खरीदोगे, खरीदेंगे? मिठाई वाले के सवाल का वे ना में जवाब देते हैं, तब मिठाई वाला मुखर्जी घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती हैं, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। अब देखिए, एक सीन लेना था जिसमें अप्पू और जो दुर्गा हैं वे मिठाई वाले के पीछे दौड़ते हैं, और झाड़ियों में बैठा हुआ जो कुत्ता था, भूलो नामक कुत्ता जो था, तो वह भी छलांग लगाकर उनके साथ में दौड़ता है। और लेखक कहता है कि हमें ऐसी आशा नहीं थी कि यह कोई ऐसा कुत्ता नहीं था कि जो हॉलीवुड का सिखाया हुआ था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। अब कुत्ते का जो मालिक था उससे कहा इन्होंने कि जब अप्पू और दुर्गा भागें तो तुम भी अपने कुत्ते को कहना, इशारा करना कि वो भी उनके पीछे भागने लगे। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए कैसी परिस्थिति आ गई है, जो सीन वहाँ पे फिल्माना था, शूटिंग करनी थी, उसकी शूट करना था, तो मालिक की आज्ञा वो कुत्ता नहीं मान रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ता तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। अब देखिए किस प्रकार से जो समस्याएं आ रही थी उनका समाधान भी कर रहे हैं लेखक, कि कुत्ता जो है अपने मालिक की बात भी नहीं मान रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो शॉट तो लेना था, तो ये दुर्गा से कहते कि तुम अपने हाथ में थोड़ी मिठाई लेकर कुत्ते को दिखाना और फिर भागना। तो दुर्गा ने ऐसा ही किया और इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारा जो इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। अब देखिए पैसे के कारण ही हर प्रकार की परिस्थितियाँ इसमें आ रही हैं, विपत्तियाँ आ रही हैं, इसमें दुविधाएँ आ रही हैं। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। अब बरसात पर जो बारिश पर दृश्य चित्रित करना था, लेकिन चित्रित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पैसों की कमी थी। बरसात के दिन आए और चले गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। अब देखिए किस प्रकार से इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, शरद ऋतु है, वो सोच रहे हैं कि बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो जाए। तो इसी आशा के अंदर जो लेखक कहते हैं कि मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चों को और कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। देहात मतलब गांव में। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आकर पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नैबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। अब बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आँख लगा कर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सीह रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। अब देखिए ठंड के अंदर बारिश में वो भीग रही हैं, बदन पे वस्त्र भी कम हैं, कपड़े नहीं हैं, क्योंकि गरीब परिवार से हैं, ये दिखाया गया उसमें। तो ठंड के कारण से उनका शरीर कांप रहा है,
तो लेखक कहते हैं कि दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर उनको दी गई और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल ग्राम हमें अधिक उपयुक्त लगा। अब पहले ये गोपाल ग्राम में गए थे, बाद में ये बोडाल ग्राम में इन्होंने जो है शूटिंग की थी। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल ग्राम में और आसपास हमें मिली। अब यानी कि जो भी चाहिए था वे पूरी जो लोकेशन है, जो परिस्थितियाँ कह सकते हैं अपने, जो वातावरण जैसा चाहिए था वैसा उनको वहाँ मिला है बोडाल ग्राम में। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस ज़माने में वे नहीं थे। अब जब इन्होंने उस फिल्म की शूटिंग की थी तो उस समय वो नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पे बिजली आ गई है, पक्के घर बन गए हैं, पक्के रास्ते बन गए हैं, लेकिन उस ज़माने में नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था, वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। अब लेखक कहते हैं कि जो गांव था बोडाल, तो वहां पे हम गए जाते रहते थे, तो वहां के लोगों से हमारा परिचय हो गया। लेकिन एक अद्भुत सज्जन थे जिनका नाम, जिनको हम जो है सुबोध दा कहकर पुकारते थे। उनकी जो उम्र है वो लगभग 60-65 साल की थी, उनका माथा गंजा था और वे अकेले एक झोंपड़ी में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गई। हमें देखने पर वे चिल्लाते फिल्म वाले आए हैं तो मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ, वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। अब देखिए सुबोध दा हैं, वो कहते थे कि उनको पता लग जाता ना कि फिल्म वाले आए हैं तो वे कहते कि इनको मारो और लाठी से भगा दो इनको यहाँ से। लेकिन जब आसपास पूछताछ की तो पता लगा कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं। और बाद में सुबोध दा हैं वो अच्छे परिचित हो गई और वो पास हमें, यानी कि जो पूरी टीम थी ना इनकी, उनको पास में बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर जो लोकगीत हैं उनकी धुनों को बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हैं ना होना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान, सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। पाजी मतलब धोखेबाज थे और उनके दुश्मन थे ये। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। अब देखिए धोबी से कैसे परेशानी हो सकती है, तो उसका भी एक वर्णन इसमें बता रहे हैं, ये पढ़ते हैं अपने आगे, कि वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। अब देखिए जिस घर में ये शूटिंग करते थे पड़ोस में एक धोबी रहता था, तो उसके कारण इन्हें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। अब देखिए लेखक कहते हैं कि अगर फुर्सत के समय भाषण दे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब शूटिंग अगर हो रही है और उस समय अगर वो अपना भाषण शुरू कर दे तो हमारी जो साउंड है तो वो प्रभावित होती थी। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। अब देखिए जिस घर में ये शूटिंग कर रहे थे पथेर पांचाली की, तो वह भी घर जो टूटा फूटा था तो उसे ठीक करवाने में लगभग 1 महीना लग गया था। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे वे हमने फिल्म में नहीं दिखाई। अब लेखक कहता है कि उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे जो फिल्म में हमने नहीं दिखाई। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे।
हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना। भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना। इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। अब देखिए कि जिस घर में ये शूटिंग हो रही थी वहाँ पे काफ़ी कमरे थे लेकिन जो अन्य कमरों की हमें आवश्यकता नहीं थी तो वो शूटिंग में नहीं दिखाया। रिकॉर्डिंग जो की थी हमने उसमें नहीं दिखाया, फिल्मांकन नहीं किया उसका, लेकिन उसमें हमारा जो सामान वगैरह रहता था। लेकिन लेखक कहता है कि भूपेन बाबू जो है रिकॉर्डिंग का सामान लेकर, जो मशीन लेकर वहाँ पे साउंड रिकॉर्ड करते थे, तो हम उनसे पूछ लेते थे कि आवाज़ ठीक है या नहीं है, साउंड ठीक है या नहीं है, तो वो हाँ या ना में जवाब देते थे। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। तो चिंता तो निश्चित स्वाभाविक है कि बार बार पूछने के बाद में भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो जब उन्होंने उस कमरे में देखा जाकर तो एक बड़ा सा जो सांप है उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था और उस सांप को देखकर भूपेन बाबू जो सहम गए थे मतलब डरे हुए से थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सकें। अब देखिए कि सांप को मारने की इच्छा तो थी कि हम सांप को मार डालें लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मना कर दिया तो इसी कारण से हम उसे मार नहीं सकें। वह वास्तु सर्प था और वह बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प कहते हैं कि घर का सांप, यानी कि जो किसी को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाता है और हर प्रकार से उसमें जो है अक्सर दिखाई देता रहता है और मान्यता के अनुसार वो कुल देवता लोग मानते हैं उसे, तो इसलिए बांग्ला में उसे वास्तु सर्प के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा पाथेर पंचाली जिसका हमने अध्ययन किया है। तो इसमें जो नाम आए थे जैसे रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफ्फार, तो इनका जो संक्षिप्त जो परिचय इसमें देने का प्रयास किया है लेखक ने, तो चलिए आपको उनके बारे में बता देते हैं। क्योंकि जो एक अपने पढ़ा था पहले कि जो सुबोधदा थे उन्होंने ये नाम लिए थे चार, और थोड़े से ये पागल टाइप में थे जैसे कह सकते हैं, मानसिक विक्षिप्त थे, तो इन्होंने चार पांच नाम लिए थे अपने इसमें कि सुबोधदा ने। अब देख आपको बता रहा हूँ मैं ये कि यहाँ पे ये चार नाम लिए हैं। तो पहले रूजवेल्ट का नाम लिया है, चर्चिल का नाम लिया है, हिटलर का लिया है और अब्दुल गफ्फार का नाम लिया है। तो इनका जो संक्षिप्त परिचय वो इसमें लेखक ने दिया है, तो चलिए जानकारी लेते हैं इनके बारे में कि रूजवेल्ट कौन थे। तो रूजवेल्ट जो है 1882 से 1945 का कालखंड है इनका, 1882 से 1945 का। पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलोनो रूजवेल्ट था। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे ये, 1933 से 1945 तक रहे हैं ये। इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। अब दूसरा नाम लिया था चर्चिल, जिनका कालखंड था यानी कि जन्म 1874 में और मृत्यु जो 1965 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब तीसरा नाम उन्होंने लिया था हिटलर का, सुबोधदा ने। इनका जो जन्म 1889 में और 1945 में इनकी मृत्यु होती है। ये जर्मन के तानाशाह चांसलर थे और 1933 से लेकर 1945 तक इनका समय रहा है तानाशाह के रूप में, चांसलर के रूप में, तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। और चौथा नाम जो लिया था अब्दुल गफ्फार खान का, इनका जन्म 1890 में और उनकी मृत्यु जो 1988 में हुई थी। ये पख्तूनों जो कि अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। अब ये अब्दुल गफ्फार खान नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, इसके खिलाफ थे ये, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे चार नाम जिनका इसमें वर्णन किया गया था, तो जिसका हमने अध्ययन किया है, संक्षिप्त जो जानकारी है वो प्राप्त की है। तो इस प्रकार से हमारा जो है अध्याय अप्पू के साथ 2.5 साल, तो वह आज पूर्ण हुआ। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
तो इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी आपको करने हैं। तो आगे जो है हमारा जो अध्याय है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए धन्यवाद।